हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गार्डनिंग विद वैष्णवी। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं एडिनियम की रिपोर्टिंग कैसे करें, एडिनियम प्लांट्स की केयर कैसे करें। तो ये मैंने कुछ एडिनियम के प्लांट्स मंगवाए हैं। तो ये 5 प्लांट्स है, तो ये अभी मेरे पास ये पार्सल आया हुआ है। तो ये सारे मैंने ऑनलाइन परचेस किए हैं। ये मैंने संजय नरोटे सर से परचेस किए और ये बहुत कम प्राइस में अच्छे प्लांट्स देते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा ये पार्सल खोल लेती हूँ। इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छे से की हुई है, आप देख ही सकते हैं। और प्लांट भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे है। तो चलिए अभी मैं खोलती हूँ। तो एडिनियम जो प्लांट है उसको डेजर्ट प्लांट भी कहा जाता है। इसको कम पानी चाहिए होता है और वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए होती है, जिसको सैंडी मिक्स भी बोलते हैं। तो ये मैंने ये 5 कलर मंगवाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी यूनिक और बहुत सुंदर कलर है। तो मैं एक एक करके इसमें से ये प्लांट निकालते जाती हूँ। ये देखिए, इन्होंने ये न्यूज़पेपर में पैक किए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लांट्स कितने अच्छे से आए हैं। तो अभी हम एक एक खोल के करके इनका न्यूज़पेपर का रैपिंग खोलते हैं। तो ये आप अब इसको साइड में रख देते हैं और ये पहला प्लांट खोलते हैं। तो ये देखिए, 2, 3 और ये 4 और 5, 5 प्लांट्स पूरे हो गए हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा इसका कोडेक्स है। तो आप अभी देख सकते हैं इसका कोडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको फंगस लगा है। जब इसको फंगस लगता है तब इसके पत्ते पूरे येलो हो जाते हैं। तो अभी आप सॉफ्ट कोडेक्स देखेंगे और पत्ते येलो नहीं हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें पानी कम है। अगर सॉफ्ट कोडेक्स है और पत्ते भी येलो है तो ही इसको फंगस या रॉट लगा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी रेनिंग भी चालू है। तो अभी हम इसी रेन में अच्छे से ये पौधे खोलते हैं। ये देखिए, ये छोटा प्लांट है और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कलर वाइज इस पर मार्किंग की हुई ब्लैक कलर से। तो ये जो एडिनियम का पौधा है उसकी हमें बहुत केयर करनी होती है। इसको पानी से बचाना होता है। अगर आप इसको पानी में रखेंगे तो ये रॉट हो सकता है। और इसकी सॉइल मिक्स भी हमें ध्यान से लेनी होती है। अगर आप ध्यान से ना ले तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है और प्लांट जल्दी से आपका मर जाएगा। और ये बहुत कॉस्टली प्लांट्स आप जल्दी से खो देते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये प्लांट आए हुए हैं। तो अब इन्हें हम के साथ हमें क्या करना है, इनको इसी तरीके से 2 दिन तक हमें रखना है। तो पहले मैं अभी रात में खोला है, तो अभी मैं इसको सुबह तक इसी तरीके से रख देती हूँ यहाँ पे इस टेबल पे, ताकि ये पौधे रेस्ट कर पाए। क्योंकि अभी ये ट्रांसपोर्ट से आए, इनको शॉक लगा है और अभी आप इसमें कुछ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए आप, इसके लीफ जो होते हैं ये थोड़े से आपको देखेंगे कि थोड़े थोड़े ख़राब हो चुके हैं, या उनको कुछ ट्रांसपोर्ट की वजह से वो थोड़े ख़राब हो जाते। तो आपको क्या करना है, ये सारे लीव्स इसके निकाल देने हैं। क्यों निकालने हैं, क्योंकि अगर आप लीफ निकालेंगे तो प्लांट का जो एनर्जी है ना, वो लीफ के पास ना जाके रूट सिस्टम बनाने में चला जाएगा। तो आपकी रूट सिस्टम जल्दी से डेवलप होगी और इस प्लांट को नई ग्रोथ जल्दी से आ जाती है और न्यू शूट आने के बाद फ्लावरिंग भी जल्दी होगी। तो इसी की वजह से आप जब ट्रांसपोर्ट से पौधे आते हैं तो उसके ये पत्ते निकाल देने चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे प्लांट रेडी है। तो इसमें ये मैं डाल रही हूँ फंजीसाइड थोड़ा सा 1 स्पून और ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया। इसमें मैं ये प्लांट्स को 1 घंटे के लिए डिप करके रखती हूँ। इससे क्या होगा, इसमें थोड़ा फंजीसाइड मिक्स हो जाएगा और प्लांट को फंगस नहीं होगा। और जो ये कोडेक्स है ना, जो सॉफ्ट हो चुका है, डिहाइड्रेट हो चुका है, उसको भी पानी मिलेगा, ताकि जब हम इसको पॉट में लगाएंगे तो ये अच्छे से पॉट में लग जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं ये प्लास्टिक की ये छोटे छोटे पॉट्स ले रही हूँ। ये देखिए, 7 इंच के हैं और ये अच्छा पॉलीप्रोपाइलिन के पॉट्स है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने ये परलाइट, कोकोपीट और थोड़ा सा नीम खली का मिक्सचर ले लिया है। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा ही ले लिया है, ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं। तो मुझे ये पूरा बास्केट भर के ये पॉटिंग मिक्स बनाना है। तो यहाँ पे ये मेरा देखिए घर में बनाया हुआ कंपोस्ट है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो ये कंपोस्ट इसमें भी हमने मिक्स किया है, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया और उसमें हमने बाद में सैंड भी थोड़ी सी ऐड कर ली थी। तो ये यहाँ पे देखिए, तो मैं आपको इसका प्रोपोर्शन बताती हूँ। अभी नीचे हमें ये ईंट के टुकड़े डालने हैं, उसके ऊपर हमें ये लीफ का लेयर डालना है, ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो जाए। जो हमारा पॉटिंग मिक्स है वो नीचे जो छेद है उसमें से बाहर ना जाए। तो इसी तरीके से आपको बनानी है। तो मैं पॉटिंग मिक्स के बारे में बताती हूँ जो मैंने बनाया है। तो इसमें
20% मैंने परलाइट लिया है, 40% सैंड लिया है, 20% कंपोस्ट लिया है, 10% मैंने कोकोपीट लिया है, 10% मैंने ये ईंट का जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो लिया है, थोड़ा सा नीम खली और एनपीके डाला है। तो ये देखिए इसमें मैं ये पॉटिंग मिक्स ऐड करने जाती हूँ। ये देखिए इसमें सैंड, नीम खली, परलाइट और कोकोपीट मिक्स है। इसमें गार्डन सॉइल मैंने लिया नहीं है, तो ये मैंने वेल्डनिंग मिक्सचर बनाया। इसमें अभी हमें प्लांट को इस तरीके से रख देना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से रख देना है। इसको पकड़ के हमें इस तरीके से पूरा इसमें सॉइल डाल देना है। ये देखिए हमारा प्लांट बन गया है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी सारे मैंने इसको पॉटिंग कर दी और अभी मैं इसको ये पानी ऐड करने जा रही हूँ। तो ये जो मैंने फंगीसाइड का पानी बनाया था वही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। सॉइल भी देख सकते हैं कितना वेल ड्रेनिंग है, 2 सेकेंड में सारा पानी अंदर। इसी तरीके से ये मैंने बना लिया है। यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट किए, इनको अभी हमने शेड में रखेंगे 5-6 दिन तक, जब तक न्यू ग्रोथ नहीं दिखेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।